प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। ये मन की बात का 71वां संस्करण था। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संसद ने हाल ही में कठोर मंथन के बाद कृषि सुधार कानून पारित किया है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों में न केवल किसानों की दिक्कतें कम हुई हैं, बल्कि इस कानून ने उन्हें नए अधिकार और अवसर भी दिए हैं। मन की बात कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हर भारतीय को ये जानकर गर्व महसूस होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को कनाडा से भारत वापस लाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125वां जयंती समारोह शुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पीएम मोदी ने भारत की संस्कृति को लेकर कहा कि भारत की संस्कृति और शस्त्र दोनों हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। कई लोग तो इनकी खोज में भारत आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए हैं। पीएम ने कहा 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 151 प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान कहा कि पिछले दिनों मुझे देश भर की कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ संवाद का, उनकी एजुकेशन जर्नी के महत्वपूर्ण इवेंट्स में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के बाद पीएम मोदी मन की बात कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने का काम चल रहा है। 1 दिसंबर को 1 बजे किसानों संगठनों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हो सकती है। इस बैठक के लिए किसान नेताओं ने अमित शाह, राजनाथ सिंह व कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तेलंगाना में निकाय चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ प्रचार में लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पहुंच गए हैं। कश्मीर के गुलमर्ग सहित अन्य क्षेत्रों में पारा लगातार गिरता जा रहा है, जिससे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ रही है। वहीं दक्षिण के राज्यों में 1 दिसंबर से भारी वर्षा होने की संभावना है। शनिवार दोपहर राज्यपाल के दस्तखत से लागू यूपी सरकार के नए कानून के आधार पर बरेली जिले में विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला देवरनिया थाने में दर्ज हुआ है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि वे आतंकवादी हैं। उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है, ये किसानों का अपमान है। किसान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं है कि पहले वे शांतिपूर्वक बुराड़ी के निरंकारी मैदान में शिफ्ट हों तो सरकार दूसरे ही दिन उनसे बात करेगी। किसान नेताओं ने ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री व गृह मंत्री से बातचीत के लिए तैयार है और उसके लिए भी बुलावा लिखित में मिलता है, तभी बात होने की उम्मीद है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति रविवार को प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। यहां प्रबंधन समिति के सदस्य प्रदर्शन कर रहे किसानों को भोजन पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। किसानों के आंदोलन और गृह मंत्री अमित शाह की शर्तों के बीच दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि किसानों से बात करने के लिए किसी तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द बातचीत होनी चाहिए। कोरोना संक्रमित केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कोविड प्रोटोकॉल का किया उल्लंघन। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की व्यवस्था किए जाने के बाद भी वह शनिवार सुबह अपने वाहन से दिल्ली एम्स के लिए रवाना हो गई। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 41,810 मरीज संक्रमित हुए, वहीं इस दौरान 496 मरीजों ने वायरस के चलते जान गंवाई है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93,92,920 हो गई है। अब तक 88,02,267 लोगों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद अस्पताल से घर लौटे हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 591वीं जयंती गुरु पर्व के रूप में मनाई जा रही है। जयंती की पूर्व संध्या पर रेवाड़ी में शोभा यात्रा निकाली गई। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनाव में आतंकियों की धमकी के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने स्थानीय निकाय चुनाव में वोटिंग की। 24 घंटे के अंदर 4 नवजातों की हुई मौत, 3 दिन से लेकर 4 माह तक के बच्चों की मौत PICU में, 3 और SNCU में 1 बच्चे की मौत, नवजात की मौत से मचा हड़कंप। पीएम मोदी के हमशक्ल व भारतीय मजदूर किसान संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अम्बाला पहुंचकर प्रधानमंत्री से मांग की है कि किसानों के ऊपर हो रही दमनात्मक कार्रवाई को रोका जाए तथा किसानों का नेतृत्व कर रहे संगठनों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। पंजाब के फिरोजपुर के एक अपाहिज जोड़े ने अपनी दास्तान सुनाते हुए बताया कि वह सिर्फ कुदरत की मार ही नहीं झेल रहे बल्कि उनको गरीबी ने भी झंझोड़ कर रख दिया है।
उनको सभी सरकारी सहूलतों से खाली रखा हुआ है। बासपुर के किसानों ने दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी, सरकार को जड़ से हिलाने की बात कही। सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जोशीमठ पहुंचकर 3 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए देहरादून में आज एक दिन की बंदी का ऐलान किया गया है। उसके बावजूद भी देहरादून में शराब की दुकानें खुली हैं। मुनस्यारी में जो भीषण आपदा 26 और 28 जुलाई को आई थी, उसे लेकर तल्ला जोहार व मुनस्यारी को जाने वाले पुल पर आपदा प्रभावित लोगों ने एक आंदोलन किया और साथ ही रोड जाम की। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार जसपुर स्थित सिविल कोर्ट का आज करेंगे निरीक्षण। बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों के साथ रहेगी मीटिंग और भी विषयों पर होगी चर्चा। देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ता कृषि बिल का लगातार विरोध कर पुतला दहन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सदियों से हजारों की संख्या में भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले पौराणिक और सिद्धपीठ मंदिर जो कुप्रबंधन और अव्यवस्थाओं के चलते ही आज टूटने के कगार पर, जल्द ही ध्यान न दिया गया तो यह ऐतिहासिक धरोहर खंडरों में बदल जाएगी। कोविड-19 महामारी के चलते कार्तिक पूर्णिमा स्नान को स्थगित कर दिया गया है, जिसके चलते 2 दिन के लिए नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, लखनौता व खानपुर सहित सभी बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। देश के विभिन्न प्रदेशों से पर्यटक बर्फ के रोमांच का लुत्फ उठाने 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे डोडीताल की खूबसूरती को देख अभिभूत नजर आए, तो वहीं डोडीताल पहुंचने के लिए बर्फ का पैदल ट्रक पर्यटकों को रोमांच का एहसास जता रहा है। बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के डीएम कॉलोनी रोड स्थित आवास पर स्नातक निर्वाचन मतदाता सम्मेलन हुआ, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को प्रथम वरीयता की मत देने की अपील सभी मतदाताओं से की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर बने कानून में पहला मामला जनपद बरेली का आया सामने। बरेली की बेटी बनी लव जिहाद का शिकार, देवरनिया थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटे। बुलंदशहर में दंगल की शुरुआत, एसएसपी ने मैदान में पहुंचकर पहलवानों के हाथ मिलाकर किया दंगल का उद्घाटन। मैदान के गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही पहलवानों का स्वास्थ्य निरीक्षण। थाना सहरा क्षेत्र के बीबी नगर रोड पर करोटी के बीच खाई में पलटी गाड़ी में लगी भीषण आग, आग से झुलसकर गाड़ी में बैठे 2 लोगों की मौत, अभी तक दोनों व्यक्तियों की नहीं हो सकी शिनाख्त। खानपुर थाना क्षेत्र के गांव अमरपुर में हुई गोकशी, हिंदू संगठनों में उबाल, पुलिस ने 3 गोकश पकड़े। हिरासत में लिए गए युवक को छोड़े जाने से नाराज परिवार ने ग्रामीणों के साथ चौकी में काटा हंगामा। परिवार ने 25 नवंबर को चौकी में अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे जोन ने कोरोना काल के बीच चल रही स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का विस्तार किया। बिहार के जयनगर, दरभंगा, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और सहरसा से चल रही 13 स्पेशल ट्रेनों को अब 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने से सूबे के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहली कोविड-19 वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी तैयार होगी। एक यूटिलिटी ब्लॉक के उस हिस्से को स्टोरेज फैसिलिटी के लिए हैंडओवर किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने शिवराज सरकार की चिंता बढ़ाई। कोरोना मामलों में तेजी को देखते हुए प्रदेश सरकार अब छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार कर रही है। कोरोना के कहर के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कोरोना ड्रग प्लांट का उद्घाटन किया, जो कोरोना के इलाज के लिए दवाओं का निर्माण करेगा। पुतिन ने कहा कि यह प्लांट कोरोना की दवाओं का उत्पादन करेगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी जाएंगे। यहां वो पीएम मोदी के आने से पहले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेंगे। कंगना को हाईकोर्ट में मिली बड़ी जीत, बीएमसी को देना होगा दफ्तर तोड़ने का हर्जाना। मिर्जापुर में रॉबिन का किरदार निभाकर लोकप्रिय हो चुके प्रियांशु और वंदना बीते 2 सालों में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दोनों की शादी कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हुई है। द इमॉर्टल अश्वत्थामा में विक्की के अपोजिट कास्ट होंगी सारा, जापान ग्रीस में होगी शूटिंग। एमपी में बदमाशों के जुलूस निकालने पर लगी रोक, पुलिस मुख्यालय में जारी किया निर्देश। भिवानी में ट्रैक्टर ट्रॉली को ठोकर मारने वाले ट्रक ड्राइवर के खिलाफ हुआ केस दर्ज, प्रदर्शनकारी किसान की हुई थी मौत। ग्रेटर नोएडा में कथित तौर पर अल्ट्रासाउंड के दौरान 26 वर्षीय महिला से नशे में धुत डॉक्टर ने की छेड़छाड़। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की जीत के साथ 17 साल में पहली बार भारत को मिली लगातार 6ठी अंतर्राष्ट्रीय हार। लगातार दूसरी तिमाही में जीडीपी घटने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आई आधिकारिक रूप से मंदी। सदन में तेजस्वी द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीएम नीतीश ने कहा, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है इसलिए सुनते रहते हैं। रांची में पोस्टमास्टर पर लगा करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप, हुआ फरार।
दंतेवाड़ा जिले से सीआरपीएफ ने 2 IED बम की बरामद, मौके पर किया गया निष्क्रिय। सरकार ने की किसानों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील, 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया। एमपी में 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुक्रवार से शुरू, शनिवार को होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। सागर के दिवंगत डॉक्टर शुभम के परिवार को सरकार देगी 50 लाख की अनुग्रह राशि, कोरोना संक्रमण से हुई थी मौत। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,810 नए केस आए सामने, अब तक 93,92,920 लोग हुए संक्रमित। निशा पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी, निशा ने सड़कों से लेकर कटघरे तक का रास्ता खुद अपने संघर्ष के दम पर बनाया है। निशा एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी है जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री शनिवार को अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क, हैदराबाद के भारत बायोटेक और पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री यहां शोधकर्ताओं वैज्ञानिक से बात करेंगे और वैक्सीन निर्माण में हुई प्रगति का खुद जायजा लेंगे। जब ओडिशा विधानसभा के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था, तब सदन के बाहर 3 किसानों ने किया आत्मदाह का प्रयास। टीएमसी विधायक मिहिर गोस्वामी ने थामा बीजेपी का दामन, ममता की पार्टी पर लगाए आरोप। बीजेपी ने गुरुवार को हैदराबाद नगर निगम चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र किया जारी, जिसमें फ्री बिजली और फ्री पानी से लेकर कई तरह के लोक लुभावने वादे किए गए। जम्मू कश्मीर में आज यानी शनिवार को जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान जारी है। इसके साथ ही पंचायत उपचुनावों के लिए भी मतदान हो रहे हैं। चुनाव के लिए सभी तैयारियां चाक चौबंद पर हैं। तुर्की के एक शिल्पकार ने सोना चांदी के मास्क बनाने शुरू कर दिए हैं। शिल्पकार का ये मानना है कि इस मास्क से कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। कोरोना महामारी में हरिद्वार के SSP और जिला अधिकारी ने जिस तरह से COVID-19 के समय सराहनीय कार्य किया, अधिकारियों ने अपनी जान पर खेलकर जरूरतमंद लोगों को राशन के साथ साथ सभी अधिकारियों को साथ लेकर एक टीम गठित की है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी अभियान चलाया। आपको बता दें, अभियान के दौरान कनखल के बंगाली हॉस्पिटल के मेडिकल व अन्य मेडिकल स्टोरों पर भी निरीक्षण करने पहुंची। हरिपुर कला के गीता कुटीर के पास एक आश्रम के महंत की कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो गई थी, जिनकी आज सोशडी का कार्यक्रम था, जहां महंत चुना जाना था, लेकिन दो शिष्य आपस में समाप्ति को लेकर वहीं पर झगड़ने लगे। विवाद को देखते हुए प्रशासन ने और संतों ने विवाद दोनों में चल रहे विवाद को समाप्त करवाया। आश्रम के दोनों शिष्यों को ही उत्तराधिकारी घोषित किया गया, साथ ही दोनों शिष्यों को आश्रम की देखभाल करने को कहा गया। साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में कोई भी विवाद ना हो, इसमें आपस में समझौता कर लिया जाए। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश को राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, तमाम योजनाओं में सरकार का खर्च भी बढ़ा है। अब वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर मंत्रालय और विभागों को कहा है कि चालू वित्त वर्ष के शेष महीनों में अपने खर्च को संशोधित अनुमान के लक्ष्य तक सीमित रखने को कहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा, वित्तीय सलाहकार यह सुनिश्चित करें कि 2020-21 के संशोधित अनुमान की बैठकों में व्यय की जो सीमा तय की गई है उसका कड़ाई से अनुपालन हो। आपको बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी थी। वित्त मंत्रालय ने रोक मार्च 2021 तक की योजना पर लगाई है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त रही। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तीसरी तिमाही जुलाई सितंबर में उछाल आया और 33.1% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई। यह एक महीने पहले के अनुमान के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संविधान दिवस के मौके पर केवड़िया में जारी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि हम वो जख्म कभी नहीं भूल सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धावा बोला था, आज का भारत नई नीति रीति के साथ आतंकवाद का सामना कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की काफी बड़ी भूमिका है। पीएम बोले कि 70 के दशक में इसे भंग करने की कोशिश की गई, लेकिन संविधान ने ही इसका जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश के लोगों ने संविधान पर विश्वास होने के नाते समर्थन किया है। संसद में इस बार तय वक्त से काफी अधिक काम हुआ है, सांसदों ने अपनी सैलरी में कटौती की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश संविधान दिवस मना रहा है और लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हर किसी को राष्ट्रहित को ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए।
पीएम ने कहा कि सरदार सरोवर डैम भी इस राजनीति का शिकार होता रहा है। जब पानी का काम हुआ तो राजस्थान से भैरव सिंह, जसवंत सिंह उनसे मिलने गुजरात आए और बधाई दी। दिल्ली कूच के इरादे से निकले पंजाब और हरियाणा के किसान लंबी लड़ाई के मूड में हैं। अपने साथ किसान राशन और रहने का सामान साथ लाए हैं, लेकिन उन्हें बॉर्डर पर रोका जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे यहाँ बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो। पीएम मोदी ने कहा, हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है। महाराष्ट्र में वैसे तो चुनाव में बहुत से प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन इस प्रत्याशी की चर्चा अमरावती विभाग में जोरों पर है, क्योंकि इस शिक्षक प्रत्याशी ने अपना नामांकन बनियान पहनकर भरा है। यूएई ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है। यूएई ने पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों के लिए वर्क या एम्प्लॉयमेंट वीजा रद्द कर दिया है। चीन के हांगकांग में कोरोना वायरस की चौथी लहर आ गई है, इसकी वजह से इस इलाके का प्रशासन काफी परेशान है। नोकिया 2.4 आज भारत में लॉन्च हो रहा है। इसे सितंबर में यूरोप में लॉन्च किया गया था। ये बजट स्मार्टफोन होगा और एंड्रॉइड 10 पर चलेगा। इंस्टाग्राम एक और नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। ये फीचर इंस्टाग्राम के मैसेज में एनिमेटेड टेक्स्ट के लिए है। इसके तहत यूजर्स टेक्स्ट को एनिमेट करके सेंड कर सकेंगे। शाओमी ने एक ऐसा पावर बैंक लॉन्च किया है जो विंटर में आपका हाथ भी गर्म रखेगा। कंपनी ने ZMI हैंड वार्मर पावर बैंक लॉन्च किया है। होंडा सिटी भारतीय बाजार में पॉपुलर सेडान है। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक रहा तो जल्द कंपनी भारतीय बाजार में होंडा सिटी हैचबैक उतार सकती है। देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा के न्यू जनरेशन महिंद्रा थार को क्रैश टेस्ट में ग्लोबल NCAP से शानदार रेटिंग मिली है। कोविड वायरस को लेकर वैवाहिक समारोह में लोगों को शामिल करने के मामले में भारी उपो को CM योगी आदित्यनाथ के एक स्पष्ट निर्देश ने समाप्त कर दिया है। CM योगी आदित्यनाथ ने वैवाहिक समारोह को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, इसके लिए किसी के भी आदेश की कोई जरूरत नहीं है। वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म कोहली नंबर 1 25 दिसंबर को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो रही है। अब इसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है। पंजाब और हरियाणा के किसान अंबाला में हैं और धीरे धीरे दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम में योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया है।